हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वॉचिंग मंसूरी क्लासेस। आज के इस लेक्चर से हम लोग बात करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बातें। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने एमएससी प्रीवियस की जो एग्ज़ाम दी है और एग्ज़ाम आपने अच्छे से कर ली होगी और आपके रिजल्ट के आने की देर है। अब होप करता हूँ कि आपका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए और उम्मीद के साथ अपन एमएससी फाइनल को शुरू भी कर चुके हैं। एमएससी फाइनल ईयर में एक बुक चलती है मेरे दोस्तों, उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड का मतलब क्या होता है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो हमारा डिस्कनेक्शन अप्रोच वाला जो बुक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड जिसका नाम होता है, उसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ही आप लोग फटाफट नोटबुक पेन निकाल के बैठिए, हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्या टॉपिक हम पहले कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है, उन सभी बातों का हम एक परफॉर्मा बनाते हैं और आज से हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो बुक है दोस्तों आप लोगों की, वो एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। बुक का नाम क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। ये अपनी जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले बच्चे हैं उनकी सेकंड बुक है और आपको पता होना चाहिए 50 नंबर का एग्जाम में पेपर आता है। अब देखो, सवाल ये उठता है कि ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड का मतलब क्या होता है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा एक ही काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की भाई, एक अपना रिएक्टेंट होता है, एक अपना क्या होता है बेटा जी, रिएक्टेंट होता है। और ये रिएक्टेंट क्या करता है साथियों? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। आप लोगों को पता है ये रिएक्टेंट क्या करता है बेटा जी? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। और आप लोगों ने कुछ बातें सीखी है छोटी क्लासों के अंदर, जब ऑर्गेनिक रिएक्शन को डील किया जाता है तो आप लोग क्या बोलते हो कि रिएक्टेंट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। और आप लोगों को कुछ बातें ये भी पता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स आर, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक, ऑल बॉन्ड्स आर ब्रेक। पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं। ऑल बॉन्ड्स आर ब्रेक, सही है। और प्रोडक्ट में क्या होता है दोस्तों? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो आप बात समझने की कोशिश ये करना कि दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को इस तरीके से डील करेंगे, हम लोगों ने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो डील किया है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनाया है, इसको तो कहा जाता है सिंथेसिस। क्या कहा जाता है बेटा जी? सिंथेसिस कहा जाता है। आप बात समझने की कोशिश करें, लेकिन जो हमारा पेपर है उसका नाम है डिसकनेक्शन। तो बेसिकली अपन इस पेपर में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उससे अपन क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? रिएक्टेंट बनाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे बेटा जी। कहाँ चलेंगे? उल्टा चलेंगे। तुम मुझे एक बात बताओ, अभी कारक या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो सभी लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने आज का जो ये मेरा लेक्चर है वो लेकर आया हूं। तो तुम मुझे एक बात ये बता दो कि जो डिस्कनेक्शन डिस्कस करेंगे उसको पहले स्टार्ट करते, तो पहली बात क्या पता लगी हमको? पहली बात यहां से ये पता लगी कि इस पूरे पेपर के अंदर हम रिवर्स रिएक्शन को डील करेंगे कि प्रोडक्ट से रिएक्ट बनता कैसे है। बात समझ में आ रही है? तो चलो ध्यान देना बेटा जी, क्या कहानी होती है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड होती है ना, इसका नाम डिस्कनेक्शन अप्रोच भी होता है, करेक्ट? इसका नाम और क्या होता है? डिस्कनेक्शन अप्रोच, डिस्कनेक्शन अप्रोच, डिस्कनेक्शन अप्रोच। ओके, आराम से लेक्चर को देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप्रोच, अब देखो डिस्कनेक्शन अप्रोच की कहानी क्या होती है अपन समझने की कोशिश करते हैं। पूरी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड होती है, अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट से क्या बनाएंगे, अपन रिएक्टेंट बनाएंगे। साथियों, जो डिस्कनेक्शन अप्रोच वाला पेपर है ना, उसमें प्रोडक्ट को कहा जाता है टारगेट मोलिक्यूल। दोस्तों क्या कहोगे प्रोडक्ट को? टारगेट मोलिक्यूल कहोगे। एक एक बात समझने वाली है, प्रोडक्ट को आप लोग क्या बोलेंगे? टारगेट मॉलिक्यूल बोलेंगे। अच्छी बात है भैया।
ओके। और इस टारगेट मॉलिक्यूल से आपको क्या बनाना है दोस्तों, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनाना है दोस्तों, क्या बनाना है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनाना है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल या मटेरियल। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने एक बात यहां नोटिस करी क्या, पूछो क्या कि सर यहां पे आपने डबल एरो क्यों बनाया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी डिस्कनेक्शन की हम लोग बात करते हैं ना, तो डबल एरो का साइन आता है। देखो पहले आप 10-20 मिनट ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा एक्चुअल में होने क्या वाला है। दोस्तों मैंने क्या बोला कि जरा आप ध्यान देना बेटा जी, कि आपने क्या किया, टारगेट मॉलिक्यूल से आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग मटेरियल बनाना पड़ेगा। इसके लिए जो आपको होता है ना, वो डिसकनेक्शन करवाना होगा दोस्तों, क्या करवाना होगा, डिसकनेक्शन करवाना होगा, या आप ऐसे बोलो टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करना होगा, ब्रेकिंग। टारगेट मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेकिंग करना पड़ेगा, ब्रेकिंग डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सही है। अब देखो अगर आप टारगेट मॉलिक्यूल को सही तरीके से तोड़ सको तो क्या बन जाएंगे, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ने के 3-4 तरीके होते हैं दोस्तों, पहले एक बार आप समझ लीजिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। हम टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं FGI के द्वारा। FGI का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इसको इन शॉर्ट बोला जाता है FGI। आराम से सारी बातें आपको समझ में आएगी। एक अपन कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप एडिशन, फंक्शनल ग्रुप एडिशन, इसको इन शॉर्ट क्या बोलोगे, FGA बोलोगे। एक होता है सिंपल डिसकनेक्शन, कि सिंपल क्या करो आप लोग, टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़ दो। अब देखो भाई अभी आपको नहीं समझ में आएगा, 2-5 मिनट आप वीडियो को देखिए तो आपको पता लगेगा। तो पता क्या लगा कि अगर आपको टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मटेरियल की फॉर्मेशन करनी होती है ना, तो आपको इस टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। और ब्रेक डाउन करने के आपके पास में 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप इंटर कन्वर्जन कर दो, दूसरा तरीका यह हो सकता है आप फंक्शनल ग्रुप एडिशन कर दो, तीसरा तरीका क्या होता है, सिंपल आप डिसकनेक्शन कर दो। अब देखो दूसरी बात मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कि एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको यह एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि डिस्कनेक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मान के चलो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी कोई हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, मान के चलो ये हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, और इसको आप लोग कहोगे नाइट्रोबेंजीन। क्या कहोगे दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन कहोगे, करेक्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल बोलेंगे। टारगेट मॉलिक्यूल उस स्पीसीज को कहा जाता है जिसका मुझे क्या करना है, ब्रेक डाउन करवाना है, करेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है इसको डिसकनेक्ट करेंगे। तो डिसकनेक्शन करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि डिसकनेक्शन को डबल लाइन सिंगल हेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसकनेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन सिंगल हेड एरो। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में क्या करना पड़ता है अपन लोगों को, जो एरो होता है ना, एरो इसके ऊपर डिसकनेक्शन का अपन टाइप लिखते हैं, कि मान के चलो आपने इस वाले को ब्रेक करवा दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया। जैसे ही तुमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, तो तुम्हें पता है ये वाली स्पीसीज बनेगी। एक तो ये वाली स्पीसीज बनेगी, देखो सारी बात आपको समझ में आएगी, और एक बनेगा HNO3। क्या बनेगा साथियों, HNO3। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो तुमने टारगेट मॉलिक्यूल को डिसकनेक्ट करके क्या बना लिया, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बना लिया। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के अपन ये बना सकते हैं क्या, मतलब अगर आपको तोड़ना आता है तो आपको जोड़ना भी आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में। तो इन दोनों को जोड़कर ये बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। और उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, नाइट्रेशन। दोस्तों क्या नाम होता है बेटा जी, नाइट्रेशन नाम होता है। तो इस तरीके से एक डिसकनेक्शन होता है भाई, कि आप लोगों को अगर टारगेट मॉलिक्यूल में कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, उसको तोड़ना आता है, तो रिवर्स रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग डिसकनेक्शन करते हो, करेक्ट।
तो आप लोग क्या कहोगे, डिस्कनेक्शन सिंपल क्या होता है कि किसी टारगेट मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन करने के बाद में जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनता है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, डिस्कनेक्शन कहेंगे। और डिस्कनेक्शन के लिए, ब्रेकिंग डाउन के लिए तीन प्रोसेस बेसिकली अवेलेबल होते हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटर्न कन्वर्जन करवा सकते हो। क्या कहानी होती है धीरे धीरे समझ में आएगी, एक बार आप लोग देखते चलो। एक करवाएंगे फंक्शनल ग्रुप एडिशन और एक करवा सकते सिंपल डिस्कनेक्शन। अब देखो भाई होता क्या है, अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं कि कहानी का मतलब क्या होता है, सही है? देखो इधर, कहानी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ऐसे बोल दें कि कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे टर्म्स होती है, उन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। और पहली टर्म है दोस्तों रेट्रोसिंथेसिस। क्या है दोस्तों? रेट्रोसिंथेसिस। पहली टर्म कौन सी है? रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस, ये छोटी छोटी टर्म्स एग्जाम में पूछ लेता है भाई। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेट्रोसिंथेसिस, आराम से इसको एक बार आप लोग बना लीजिए, सही है? रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक के द्वारा हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक करके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और यू कैन से इट इज रिवर्स रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक स्टेप। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इसमें लिख सकते हो, एक सेकेंड में पानी पी लेता हूं भैया। ओके, आप लोग लिख सकते हो रेट्रोसिंथेसिस, साथ साथ में लिखते रहो दोस्तों, रेट्रोसिंथेसिस इज ए टेक्निक, इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन फॉर्म स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ब्रेकिंग डाउन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। By FGI, FGA and disconnection। बात समझ में आ रही है? तो रेट्रोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम लोग टारगेट मॉलिक्यूल्स में ब्रेकिंग डाउन करके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, करेक्ट? तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, जब ये आपने लिखा कि कोई आपका टारगेट मॉलिक्यूल है भैया, कोई आपका कौन है, टारगेट मॉलिक्यूल है, और इस टारगेट मॉलिक्यूल को आपको क्या करना है, डिसकनेक्ट करके क्या बनाना है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनाना है या स्टार्टिंग मटेरियल बनाना है। बात समझ में आ रही? तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? डिसकनेक्ट करना पड़ेगा या ब्रेक करना पड़ेगा। दो तीन तरीके हो सकते हैं, आप FGI करवा सकते हो, आप FGA करवा सकते हो, और आप सिंपल डिसकनेक्शन करवा सकते हो। तो पता क्या लगा हम लोगों को कि जो रेट्रोसिंथेसिस है इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन पूछता एग्जाम में। रेट्रोसिंथेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम टारगेट मॉलिक्यूल को तोड़कर क्या बनाते हैं, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनाते हैं। तोड़ने के तरीके FGI हो सकता है, FGA हो सकता है, सिंपल डिस्कनेक्शन हो सकता है। बात आपको समझ में आ गई क्या? करेक्ट। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, करेक्ट? पहली डेफिनेशन क्या बनी, रेट्रोसिंथेसिस, और दूसरी डेफिनेशन जो हम बनाने वाले हैं उसका नाम है डिस्कनेक्शन। और यहां से हमारा बेस बनना चालू होता है, डिस्कनेक्शन, यहां से हमारा बेस बनना चालू होता है, यहां से हमारा बेस बनना चालू होता है। अब तुम एक एक बात समझने की कोशिश करना दोस्तों, डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, सही है? डिस्कनेक्शन इज एन रेट्रोसिंथेटिक, रेट्रोसिंथेटिक ऑपरेशंस होते हैं
जो टारगेट मॉलिक्यूल पे लगाए जाते हैं और उनके द्वारा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। सही है, ये एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको टारगेट मॉलिक्यूल पे आप लगाओगे ना तो उनसे क्या बनेगा, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बनेगा। और डिस्कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नंबर पहली बात आप ये लिख सकते हो कि डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो तुम क्या ये कह सकते हो क्या, डिस्कनेक्शन इज द रिवर्स स्टेप ऑफ सिंथेटिक। बात समझ में आ रही है, आप ये बोल सकते हो डिस्कनेक्शन जो होती है सिंथेटिक स्टेप का जस्ट उल्टा होती है। सो आप लोग क्या बोल सकते हो, डिस्कनेक्शन इज द रिवर्स ऑफ सिंथेटिक स्टेप। क्या बोल सकते हो, डिस्कनेक्शन इज द रिवर्स ऑफ सिंथेटिक रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। बात समझ में आ रही है, मतलब ये क्या होता है, जो सिंथेसिस का ऑपोजिट होती है। सेकंड बात, डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं, क्या कहानी बनती है कि मान के चलो मिसाल के तौर पे मैंने यहां पर एक एग्जांपल सेट कर लिया और मैंने यहां बना लिया कि ये मान के चलो हमारा कोई टारगेट मॉलिक्यूल है और यहां मैंने CH3 लगा दिया, करेक्ट। और टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, टारगेट मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें मुझे डिस्कनेक्शन करवाना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो तुम क्या करोगे कि भाई S डबल एरो बनाओगे, सब बातें मैं आपको बता दूंगा, और आपको क्या करना है, डिस्कनेक्शन करवाना है। तो तुम क्या करोगे कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग करवा दोगे। जैसे ही कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के बीच की तुम ब्रेकिंग करा दोगे तो यहां पे ये वाली स्पीसीज बनेगी, इस पे नेगेटिव बनेगा और CH3 पर दोस्तों क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, करेक्ट। सुनना दोस्तों, टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद में एग्जाम 2022 में क्वेश्चन बनेगा कि सिंथोन्स क्या होते हैं। तो मैं क्या बोला, टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं ना दोस्तों, उनको सिंथोन्स कहा जाता है। दोस्तों क्या कहेंगे, सिंथोन्स कहेंगे। उनका नाम क्या होता है भैया, सिंथोन्स उनका नाम होता है। इसका भी दोस्तों क्या नाम है, सिंथोन्स नाम है। एक एक बात आप समझने की कोशिश करना। टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है ना, उसको क्या कहा जाता है, सिंथोन कहा जाता है। और सिंथोन्स को बैलेंस करने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहा जाएगा। नेगेटिव के पास कौन लगा दोगे, हाइड्रोजन लगा दोगे, और पॉजिटिव के पास कौन लगा दोगे, एक्स लगा दोगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो सिंथोन्स को सेटिस्फाई कौन करेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये भी क्या बन गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो पता क्या लगा कि टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं उन्हें सिंथोन्स कहा जाता है, और सिंथोन्स बैलेंस होकर क्या बनाता है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाता है। देखो डबल एरो के द्वारा डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ऊपर डिस्कनेक्शन का टाइप लिखा जाता है कि आपने क्या डिस्कनेक्शन किया है। तो कार्बन टू कार्बन के बीच आपने बॉन्ड ब्रेक किया है। दूसरी वाली बात यह होती है कि अगर हमने ये बना लिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, इनको अपन क्या बोलेंगे साथियों, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर तुमने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बना लिया तो आप लोगों को इन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से यह भी बना लाना चाहिए। तो एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ू तो क्या ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। उस रिएक्शन का नाम याद होना चाहिए, अगर बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में आप लोग करवाते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, उस रिएक्शन का नाम होता है फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। इस तरीके से ये टारगेट मॉलिक्यूल से क्या बन गए, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बन गए। अगर मैं इसकी सिंथेसिस लिखना चाहूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि गुरुजी ये हमारा बेंजीन है, ये रिएक्शन करेगा CH3H से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये क्या बना लेगा, ये मेथिल बेंजीन बना लेगा। तो एक बात बताओ, ये तो सिंथेसिस हो गई, लेकिन अपन इससे ये बना रहे हैं तो इसको तो क्या कहोगे आप लोग, यहां से यहां जाना क्या कहलाएगा, सिंथेसिस कहलाएगा, और यहां से यहां जाना क्या कहलाएगा, डिस्कनेक्शन कहलाएगा। बात आपके भेजे में घुसी या नहीं घुसी।
तो आपने यही तो बोला कि जो डिस्कनेक्शन होता है वो सिंथेटिक स्टेप का रिवर्स होता है कि अपन प्रोडक्ट से क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। पहली बात तो डिस्कनेक्शन की ये होती है, डिस्कनेक्शन इज द रिवर्स स्टेप ऑफ सिंथेटिक रिएक्शन, करेक्ट। अगली बात जो मैं करता हूं ना दोस्तों, अगली बात ये करूंगा कि डिस्कनेक्शन की जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि डिस्कनेक्शन को एक स्पेशल प्रकार के एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो एरो है साथियों डबल लाइन सिंगल हेडेड एरो। क्या है? डबल लाइन सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो, ये डिस्कनेक्शन का साइन होता है। ब्रैकेट में तुम बना सकते हो ये वाला, यस और नोट। अभी देखना आपने टारगेट मॉलिक्यूल के बीच में ऐसा एरो बना हुआ था, तो ये होता है डिस्कनेक्शन का साइन जो टारगेट मॉलिक्यूल के आगे बना होता है। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि भाई डिस्कनेक्शन को स्पेसिफाई बनाने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि जो एरो है ना, एरो एरो के ऊपर क्या लिखना पड़ता है, डिस्कनेक्शन का टाइप लिखना पड़ता है, डिस्कनेक्शन टाइप लिखना पड़ता है कि आपने डिस्कनेक्शन कैसा करवाया है। बात समझ में आ गई? अगर एरो के ऊपर डिस्कनेक्शन का टाइप लिखा है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कि आपने कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अरे हाँ ना बोलो भाई, कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अगर डिस्कनेक्शन के ऊपर टाइप लिखा है ना तो डिस्कनेक्शन बोलते, स्पेसिफिक डिस्कनेक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है? और अगली प्रॉपर्टी क्या आती है कि डिस्कनेक्शन को मोर स्पेसिफाई बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए बेटा जी, मोर स्पेसिफिक बनाने के लिए, जो डिस्कनेक्शन वाला एरो है ना इसके नीचे रिवर्स रिएक्शन लिखी जाती है, रिवर्स रिएक्शन लिखी जाती है, और यहाँ पे डिस्कनेक्शन लिखा जाता है, इसको बोलते मोर स्पेसिफिक। रिवर्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने जो टारगेट मोलिक्यूल से स्टार्टिंग मोलिक्यूल बनाए है ना, स्टार्टिंग मोलिक्यूल से टारगेट मोलिक्यूल बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज की जाती है वो यहां पे लिखी जाती है रिवर्स रिएक्शन, और यहां लिखा जाता है डिस्कनेक्शन का टाइप। बात समझ में आ गई क्या? नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ के थ्रू। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती है। तो हमको क्या पता लगा कि डिस्कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, उन प्रॉपर्टी को हम लोग फील करेंगे, ये बातें हमको पता होनी चाहिए। डिस्कनेक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि डिस्कनेक्शन जो होता है वो सिंथेटिक स्टेप का उल्टा होता है। दूसरी बात, डिस्कनेक्शन को एक स्पेशल प्रकार के एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे डबल लाइन सिंगल हेड एरो कहा जाता है। तीसरी बात, अगर मैं करना चाहूं तो डिस्कनेक्शन को स्पेसिफाई बनाने के लिए जो डबल लाइन सिंगल हेड एरो है ना उसके ऊपर डिस्कनेक्शन का टाइप लिख देते हैं। चौथी बात, अगर मैं आपसे करना चाहूं कि डिस्कनेक्शन को मोर स्पेसिफाई बनाने के लिए हम उस डबल लाइन सिंगल हेड एरो के नीचे उस डिस्कनेक्शन की रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं कि अगर आप टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बना लिए तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल से टारगेट मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो रिएक्शन काम आती है वो उस एरो के नीचे लिख देते हैं। तो पता लगता है कि डिस्कनेक्शन मोर स्पेसिफाई बन गया। जहां से अपने को डिस्कनेक्शन करवाना है, जिस एटम के बीच डिस्कनेक्शन करवाना है, उनके बीच में एक कर्ली ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये डिस्कनेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपके टॉपिक में फिनिशिंग लेकर आता हूं। भैया देखो, भैया ये मान के चलो ये कोई हमारा एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन का। क्या डिस्कनेक्शन होता है आपको समझ में आने लगेगा, फील करो बस खाली। ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, और नाइट्रोबेंजीन है टारगेट मॉलिक्यूल। दोस्तों क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसको डिस्कनेक्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, काटा जाता है, पीटा जाता है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इस टारगेट मॉलिक्यूल को देखने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, डबल लाइन सिंगल हेड एरो बनाओगे। क्यों बनाएंगे ये? क्योंकि ये डिस्कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आप लोग क्या बोले कि इस एरो के ऊपर डिस्कनेक्शन का टाइप हम लोग लिखते हैं। तुमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो तुम ऐसे लिख दो कार्बन नाइट्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक। जैसे ही तुमने कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो तुम्हें बताओ ये वाली स्पीसीज बनेगी क्या भाई? यहां पे तो बनेगा नेगेटिव चार्ज ब्रेक करने के बाद, और NO2 पे क्या बन जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये भी कमाल इंपॉर्टेंट बात होती है। टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं उनको कहा जाता है सिंथोन्स। क्या कहा जाएगा बेटा जी? सिंथोन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिंथोन्स कहा जाएगा। ये भी सिंथोन बन गया, और ये भी क्या बन गया? सिंथोन बन गया।
अब पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं छोड़ सकते, इनको बैलेंस करके हम लोग लिखेंगे कि माइनस वाले के पास में एच को जोड़ देंगे तो ये हमारी बेंजीन बन जाएगी। क्या बनेगी दोस्तों? बेंजीन बनेगी। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसके पास में अगर आप OH को लेकर आओगे तो OH NO2 से ऐड हो जाएगा, क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। तो आपने जो ये बनाया है ना, इसको कहा जाता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्या कहा जाता है? सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये भी आपने क्या बना दिया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो यहां से दो बात और निकल कर ये आई है कि टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन सिंथोन कहेंगे, और सिंथोन को बैलेंस करके जो लिखा जाता है उसको सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहेंगे। तो डिस्कनेक्शन को स्पेसिफाई बनाने के लिए एरो पे डिस्कनेक्शन का टाइप लिखेंगे, मोर स्पेसिफाई बनाने के लिए अपोजिट रिएक्शन लिखेंगे। अपोजिट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को मिलाओ दोस्तों, इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिंथेसिस बोलेंगे। क्या कहेंगे साथियों? सिंथेसिस कहेंगे। अगर आप लोग बेंजीन की रिएक्शन, अगर आप लोग बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ में आपने करवा दी तो यहां से क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन का नाइट्रेशन कहा जाता है। तो अपोजिट रिएक्शन क्या बन गई, नाइट्रेशन बन गई। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, इन दोनों को मिला दिया तो अपोजिट रिएक्शन क्या बन गई, नाइट्रेशन बन गई। ये एक स्पेशल प्रकार का डिस्कनेक्शन की सारी बातें यहां पर आ गई। समझना है दोस्तों टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजे लेके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बोर होके पढ़ोगे तो मान के चलो समझ से बाहर जाने वाला है। तो पता क्या लगा कि भाई डिस्कनेक्शन को हम, सबसे पहले बात ये होती है कि डिस्कनेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डबल लाइन सिंगल हेड एरो से। दूसरी बात, इसको कहा जाता है टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल वो स्पीसीज होती है जिसका डिस्कनेक्शन करना पॉसिबल होता है, और उसके अलावा टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करने के बाद जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, सिंथोन कहेंगे। इनको बैलेंस करने के बाद जो स्पीसीज बनती है उन्हें क्या कहेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहेंगे। मान के चलो 2022 में 100% क्वेश्चन बनेगा सिंथोन से, 2021 में भी बना था, इस बार एग्जाम में क्या सवाल पूछा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। एक तो सिंथोन पूछ लिया और सिंथेटिक इक्विवेलेंट पूछ लिया, तीन नंबर का ये पूछा, 6 नंबर का छोटा सा सवाल पूछ लिया। ये कहानी होती है भाई। डिस्कनेक्शन को स्पेसिफाई बनाने के लिए डिस्कनेक्शन के एरो पे डिस्कनेक्शन का टाइप लिखते हैं, और मोर स्पेसिफाई बनाने के लिए नीचे अपन उसकी रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं। छोटी छोटी बातें होती है कि, और बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि सर टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है आप एक्सप्लेन कर दोगे, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या आता है वो भी आप एक्सप्लेन कर दोगे कि टारगेट मॉलिक्यूल के डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल बनते उसी को स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये सारी उल्टी पुल्टी बातें चलेगी, इनको आराम से समझना है। आज का हम इतना ही पढ़ लेते हैं क्योंकि भाई बातें एक अलग प्रकार की आपके सामने हैं। फिर भी दोस्तों अपन अच्छी तरीके से एक अच्छा लेवल बना के इसको चलेंगे, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज आप इतना पढ़ लीजिए, नोट्स में से आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अभी के लिए इतना है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर पसंद आया तो बिल्कुल जरूर शेयर कीजिए इसको आप।